जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा सेशन ये लेट जरूर हुआ है, इसकी मैं जरूर मैं बात करूंगा, बट अभी टेक्निकल वो सारा इशू जो है वो क्लियर कर लिया गया है और आपके सामने ये लेक्चर दोस्तों आ गया है। तो आप सभी लोग दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और जल्दी से अपने दोस्तों को भी यहाँ पे जोड़ लीजिए। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों धमाकेदार क्वेश्चन ICAR के लिए, जो अपनी सीरीज चल रही है उसी के लिए दोस्तों हम देखेंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लेट ये लेक्चर जरूर हो गया है, बट नो वरी दोस्तों, आप कोई चिंता की बात नहीं, ये वीडियो आपको मिल रहा है। चलिए दोस्तों बिल्कुल ठीक, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे शामिल हो गया है, नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूडेड, यानी प्राकृतिक संसाधनों में दोस्तों इनमें से क्या चीज आएगी, प्राकृतिक संसाधनों में इनमें से दोस्तों क्या चीज आएगी, क्या वाटर आएंगे, मिनरल्स, वुड या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किस चीज को दोस्तों हम लोग जोड़ सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तेजी से मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या वो पानी है, मिनरल्स है, वुड है या फिर दोस्तों ऑल ऑफ द अबव है, किसको दोस्तों हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक संसाधन है। सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द एबव ही सही होगा, वाटर, मिनरल और दोस्तों ये तीनों ही चीजें यहां पर प्राकृतिक संसाधनों में दोस्तों आएंगी, तो ऑल ऑफ द एबव यहां पर सही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडेड, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में क्या आएगा, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में इनमें से दोस्तों क्या आएगा, ये आप लोग मुझे बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जैमिनी कुमार जी, जैमेंद्र कुमार जी, साक्षी कुमारी जी, वर्षा जी, सभी लोग बताएं इसका आंसर। बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन, दोनों ही आएंगे, बोथ ए एंड बी दोस्तों, बोथ ए एंड बी, वायु और पानी दोस्तों दोनों ही प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे, मिट्टी को दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों में नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, द सेक्टर अंडर विच एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, यानी वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र होते हैं, क्या प्राइमरी सेक्टर में प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है यानी एक्सप्लॉयटेशन होता है, या सेकेंडरी में होता है, टर्शरी में होता है, या फिर दोस्तों क्वार्टरनरी में होता है, कहां पर दोस्तों ये चीज होती है, ये मुझे आप लोग बताइए तेजी से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही आंसर आ गया है, बिल्कुल सही दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में ही रॉ मटेरियल्स के रूप में हम लोग दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत सुंदर। देखिए सेकेंडरी सेक्टर जो आंसर दे रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में तो हम प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल का ही यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वहां पर तो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं, बट प्राइमरी सेक्टर में जहां पर रॉ मटेरियल को दोस्तों यूज किया जाएगा तो वहीं पर दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का यूज होगा, ठीक है, सही आंसर है प्राइमरी सेक्टर। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये दोस्तों पीडीएफ के लिए आप सभी लोग ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @shubhamsir_textbook दोस्तों, यही वो टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए दोस्तों, इसी ग्रुप पर आपको मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर देखिए और वहां पर सर्च करिए @shubhamsir_textbook, यहीं पर दोस्तों आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिलेगी, यहीं पर दोस्तों आप तमाम तरह के अपने डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं और सीधे सीधे मुझसे दोस्तों इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर टेक्स्टबुक का पास अवेलेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। मैं आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया दोस्तों तरीका जो है वो है मॉक टेस्ट लगाना अपनी प्रैक्टिस के लिए। जी हां, प्रैक्टिस करने से दोस्तों आपको दो तीन चीजें फायदेमंद होंगी। सबसे पहली चीज, आपको एग्जाम का ट्रेंड समझ में आएगा कि किस ट्रेंड पे क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम का लेवल क्या है और आपका लेवल दोस्तों क्या है, ये आपको प्रैक्टिस करने पर ही समझ में आएगा। कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोस्तों बात नहीं बनेगी। इसीलिए दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए मॉक पेपर दोस्तों लगाए गए हैं, टेस्ट बुक का पास लाया गया है, जहां पर आपको 31,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दोस्तों मिल रहे हैं जो सभी तरीके से आपके फायदे दोस्तों रहने वाले हैं। तो इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या तरीका आप लोग यहां पे यूज कर सकते हैं, वो भी एक बार देख लीजिए। ये आपका लेक्चर दोस्तों चल रहा है, इसी लेक्चर में आप नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे और यहीं पर दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के पास का लिंक मिल जाएगा जो कि ये है, देखिए इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस तरह की विंडो ओपन होकर मिलेगी। यहां पर आपको सभी तरह के रेट दिखाई दे रहे होंगे, मंथली टेक्स्ट बुक का पास 299, ईयरली टेक्स्टबुक का पास 399 और लाइफ टाइम का पास जो है वो 599 का है। ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर है, इस पर भी आप दोस्तों अगर कोड का इस्तेमाल करेंगे मेरे जो कि है SUBHAM
APASS। अगर इस कोड का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे तो आपको अलग से 15% का डिस्काउंट और मिल जाएगा और आप सभी के लिए पास दोस्तों बहुत ही सस्ता हो जाएगा, जिससे आप तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिस्काउंटेड प्राइस दोस्तों यहां पर शो हो रहे हैं, 510 का आपको पड़ेगा ये लाइफ टाइम टेक्स्टबुक का पास दोस्तों, जो आपको लेना है। और दोस्तों आप सभी को यहां से तैयारी को अपनी जोरदार तरीके से आगे बढ़ा देना है। चलिए, तो इस जानकारी के बाद दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज रेफर्ड एज द बोरीड सनशाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है, बताएंगे मुझे तेजी से इसका आंसर। निम्न में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? किसको इनमें से दोस्तों दबी हुई धूप कहा जाता है, ये आप मुझे बताइए तेजी से दोस्तों। किस प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दबी हुई धूप कहते हैं, ये आंसर दीजिए मुझे। बहुत सुंदर दोस्तों, बिल्कुल सही, कोयला है वो, कोल को ही हम लोग यहां पर दोस्तों दबी हुई धूप कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। साक्षी कुमारी जी, पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर की पीडीएफ को भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज हेडक्वार्टर इज, यानी IUCN का दोस्तों हेडक्वार्टर पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे तेजी से। IUCN जिसकी फुल फॉर्म भी आपको दे रखी है यहां पर, इस फुल फॉर्म के बाद दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, बताइए तेजी से। क्या स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, या फिर यूएसए में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों कई एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। बेहतरीन दोस्तों, बहुत ही सुंदर, सही आंसर यहां पे आ गया है, ग्लैंग स्विट्जरलैंड, यहीं पर इस IUCN का दोस्तों हेडक्वार्टर है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपना जो ये IUCN है, यही दोस्तों क्या करता है, रेड डाटा लिस्ट को पब्लिश करता है। जो रेड डाटा लिस्ट होती है इसको पब्लिश करता है। इसी सूची में दोस्तों सभी विलुप्त प्राय जो जीव हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं या इंडेंजर्ड हैं, उन जीवों की दोस्तों सूची को हम रेड डाटा लिस्ट कहते हैं, जिसको IUCN के द्वारा ही दोस्तों पब्लिश किया जाता है। बढ़िए आगे दोस्तों, विच रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हूज क्वांटिटी इज नोन, यानी वे संसाधन कौन से हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है? क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या वो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, क्या वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, या फिर वो अबायोटिक रिसोर्सेज हैं? दोस्तों इसी प्रकार के आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, इस बात की पूरी गारंटी हम लोग दोस्तों देते हैं। इस लेक्चर को पूरा देखिए और दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीधे सीधे। अभिषेक जी, चलिए बिल्कुल सही, सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही दोस्तों यहां पे आंसर आ गया है। सही आंसर है वास्तविक संसाधन, यानी एक्चुअल रिसोर्सेज दोस्तों उन्हीं को कहा जाता है। सही आंसर है जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है। चलिए सुनील कुमार यादव जी, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन, यानी किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है दोस्तों, ये किस चीज पर निर्भर करता है? क्या वहां के नेचुरल रिसोर्सेस पर, क्या वहां के कैपिटल फॉर्मेशन पर, क्या मार्केट के साइज पर, या ऑल ऑफ द अबव? इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, किसी भी देश का आर्थिक विकास कहां पर डिपेंड करता है? चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पर मिल गया है, बिल्कुल सही आंसर। तो उपयुक्त सभी, इन सभी चीजों पर निर्भर करता है किसी भी देश का आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट कंजर्वेशन, यानी निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दोस्तों नहीं है? क्या डिफॉरेस्टेशन ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? क्या कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? क्या मैसिव प्लांटेशन ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? या फिर दोस्तों क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ये बताएं मुझे सभी लोग तेजी से। देवेश सिंह जी, साक्षी कुमारी जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, डिफॉरेस्टेशन इज द राइट आंसर। वनोन्मूलन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, डिफॉरेस्टेशन दोस्तों बिल्कुल यहां पर सही आंसर दे दिया गया है, बहुत सुंदर। चलिए चलिए आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के रखरखाव के लिए निम्न में से कौन सा दोस्तों आवश्यक है?
ये मुझे बताइए। आसान क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण के रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा आवश्यक है? पूर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज या नन ऑफ द अबव। चलिए सुंदर आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे मुझे मिल रहा है। अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। इसका मतलब एक बार समझ लीजिए, सस्टेनेबल का मतलब है दोस्तों जिसको हमें आगे जाकर चेंज ना करना पड़े या जो आगे जाकर हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, वो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पेट्रोल डीजल की बात की, पेट्रोल डीजल को दोस्तों यूज करना शुरू किया, लेकिन आज के दौर में दोस्तों पेट्रोल डीजल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो हमें उसको हटाकर इलेक्ट्रिसिटी पर आना पड़ा, है ना। तो हमें कोयले को हटाकर दोस्तों हाइड्रो पावर पर आना पड़ा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको दोस्तों अब हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। तो सतत विकास का मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ही है कि ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो। जैसे सोलर एनर्जी का प्रयोग, जैसे विंड एनर्जी का प्रयोग, जैसे हाइड्रो पावर का प्रयोग, जैसे भू थर्मल यानी जो थर्मल एनर्जी है उसका प्रयोग, ऐसी एनर्जी का प्रयोग जिनके द्वारा पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो, यही दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है दोस्तों? क्या मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, यह मानव निर्मित संसाधन है? स्प्रिंग वाटर, स्रोत जल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर दोस्तों नदी, ये इनमें से कौन सा ऐसा है जो मानव निर्मित संसाधन है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, बताएंगे तेजी से। देवेश सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, सही आंसर यहां पे आ गया है। कैंसर के लिए उपचार के लिए जो दवाएं बनाई गई हैं, यही केवल इंसान ने बनाई हैं, बाकी सभी दोस्तों कैसी होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना इज नेचुरल हैबिटेट इज अचीव्ड बाय, यानी प्राकृतिक आवास में जंगली वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक आवास में दोस्तों ये बताइए मुझे, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना इन द नेचुरल हैबिटेट, जो भी जानवरों को पशुओं को हम लोग नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं? क्या उसको इनसीटू कहते हैं, एक्सीटू कहते हैं, इन वाइवो कहते हैं, या फिर बोथ वन एंड थ्री? रौनक जी, चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पर सही होगा, इन सीटू संरक्षण यानी स्व स्थाने। जब भी हम वनस्पतियों को और जीवों को उनका नेचुरल माहौल देंगे, उनका नेचुरल आवास देंगे, तभी दोस्तों वो कहलाएंगे इन सीटू, समझे ना। और अगर एक्सीटू की बात करेंगे तो एक्सीटू का मतलब दोस्तों अलग हो जाता है। एक्सीटू का मतलब होता है उनको अलग तरह के वातावरण में रखना, जैसे जू। जू क्या है दोस्तों? एक प्रकार का यही है ना, एक्सीटू कंजर्वेशन है वो। अगर स्वस्थाने की बात करेंगे तो इन सीटू कंजर्वेशन में दोस्तों आता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया या फिर जैसे सेंचुरीज हो गई, ये दोस्तों इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ नेचुरल फाइबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ है यानी नेचुरल फाइबर है? क्या वो रेयन और जूट है, क्या वो रेयन और पॉलिएस्टर है, क्या वो जूट एंड सिल्क है, या फिर सिल्क एंड पॉलिएस्टर है? दोस्तों बताइए मुझे, प्राकृतिक फाइबर के रूप में दोस्तों कौन जाना जाता है? साक्षी जी नहीं, आज थोड़ा टेक्निकल इशू था इसलिए क्लास लेट हुआ है, अन्यथा अपना टाइम जो है वो 1 बजे का ही है। ठीक है, 1 बजे ही अपनी क्लास डेली स्टार्ट होगी, ठीक है ना। चलिए चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे है, जूट और रेशम, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सही पहचान लिया सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। कैप्टन मॉर्गन बिल्कुल सही, सुष्मिता सिंह जी, चलिए अभिषेक चतुर्वेदी जी सही आंसर है, आगे आंसर बताएंगे अगले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, यानी प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था? प्राकृतिक चयन द्वारा पूछा गया है, प्राकृतिक चयन द्वारा जो प्रजातियों के विकास का सिद्धांत है वो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? दयाशंकर जी, जयमेंद्र कुमार जी, सीमा सिंह जी, बताएं सभी लोग। चलिए अक्षत यादव जी, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर दोस्तों है डार्विन, डार्विन नहीं, प्राकृतिक चयन द्वारा दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सही आंसर, बहुत बढ़िया,
बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल जी, सही पहचाना आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द मैन मेड फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, यानी मानव निर्मित ऐसे रेशे का नाम बताइए जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मानव निर्मित वो फाइबर है लेकिन प्राप्त होता है नेचुरल रिसोर्स से। दोस्तों इसका मुझे जवाब दीजिए कौन सा होगा, वो जो नेचुरल रिसोर्स से होता है प्राप्त लेकिन दोस्तों वो मानव निर्मित होता है। यह आंसर मुझे देंगे सभी लोग तेजी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आ गया है दोस्तों। रेयॉन इज द राइट आंसर। रेयॉन यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ट्री इज द नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ वॉटर, यानी कौन सा वृक्ष जल का प्राकृतिक शोधक है। अब ये बताइए जल का प्राकृतिक शोधक कौन सा है, यानी जल को अपने आप प्राकृतिक रूप से दोस्तों कौन सा पेड़ है जो साफ करता है, यानी दोस्तों प्यूरिफाई करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों हम सभी के लिए, और दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी का आंसर मुझे मिल रहा है। सही आंसर यहां पे है दोस्तों यूकेलिप्टस। ठीक है, अब लेकिन एक बात यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे एक बात समझिए, यूकेलिप्टस को दोस्तों पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। ये भी आप समझ लीजिए, पर्यावरण का दुश्मन भी कहलाता है ये। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, और वो रीजन है दोस्तों कि ये बहुत सारे पानी को सोख लेता है। ठीक है, पानी को क्या करता है, ये सोख लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे पानी को अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से दोस्तों क्या होता है, पानी को खत्म करता है जमीन में, और इसीलिए दोस्तों इसको पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। ठीक है, याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेड कलर ऑफ द कैरेट, गाजर के लाल रंग के पीछे क्या कारण होता है, क्या बीटा कैरोटीन के वजह से उसका रंग लाल होता है, या फिर दोस्तों अल्फा कैरोटीन की वजह से, या फिर क्रिप्टोक्वेंसिन की वजह से, या लाइकोपीन की वजह से, किस वजह से दोस्तों इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल साकिब अफरोज जी, मैंने आप बताया था अभी, आप वीडियो को बैकवर्ड करके देख सकते हैं, मैंने पूरा आपको प्रोसेस वहां समझाया है कि किस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट जो है परचेस करना है। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, अल बीटा कैरोटीन इज द राइट आंसर। बीटा कैरोटीन यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट देख रहे हैं दोस्तों तेजी से क्वेश्चन, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, व्हाट व्हिच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। यहां पर देखिए एग्जैक्टली आपके पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सैलिक अम्ल यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा, जो टमाटर में दोस्तों पाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑक्सैलिक एसिड की दोस्तों यहां पर सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली आपके एग्जाम पैटर्न पर है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो बताइए मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। ये दोस्तों मुझे बताइए वह स्थान इनमें से कौन सा है जहां प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में दोस्तों सुरक्षित रहते हैं, जहां उन्हें प्राकृतिक आवास मिलता है। क्या वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, या फिर दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें से कौन से ऐसी जगह है जहां पर जो प्राणी है वो अपने प्राकृतिक आवास में दोस्तों सुरक्षित रहते हैं। चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आया है। वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे होते हैं जहां पर दोस्तों बिल्कुल प्राकृतिक आवास उन्हें मिलता है, और किसी भी तरह का वहां पे इंटरफेयर किसी के भी द्वारा दोस्तों नहीं किया जाता। हालांकि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में दोस्तों कुछ कुछ वहां पर एक्टिविटीज चलती रहती है, वहां पर दोस्तों थोड़ा सा इंटरफेयर रहता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस वहां पर नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़िए। द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन इज प्लांट इन, यानी पौधों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है जिसकी वजह से वृद्धि रुक जाती है, ऐसा दोस्तों कौन सा हार्मोन है बताएं मुझे, ऐसा कौन सा हार्मोन है पौधों में जो दोस्तों वृद्धि को रोक देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल यही दोस्तों वृद्धि को रोक देता है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तो वृद्धि कारक हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कौन है? ये दोस्तों वृद्धि कारक होते हैं, समझ रहे ना मेरी बात को? जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है ये वृद्धि कारक होते हैं दोस्तों, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड जो है ये दोस्तों जो होता है वो हमारा वृद्धि अवरोधक होता है, वृद्धि को रोकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज, जैविक विविधता का मुख्य स्रोत दोस्तों क्या है? जैविक विविधता किस तरीके से प्राप्त हो सकती है? क्या नेचुरल सिलेक्शन से, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्या हार्मोनल एक्शन से, या फिर दोस्तों म्यूटेशन से? किस तरीके से जैविक विविधता यानी ऑर्गेनिक वेरिएशन दोस्तों प्राप्त किया जा सकता है? चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल सही दोस्तों, सही आंसर यहां पे आ गया है, म्यूटेशन इज द राइट आंसर दोस्तों। म्यूटेशन के द्वारा ही यहां पर जैविक विविधता को दोस्तों प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तेजी से। द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज दोस्तों, रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? रेशम रासायनिक रूप से दोस्तों क्या होता है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये लिपिड है, प्रोटीन है, या फिर दोस्तों फैटी एसिड्स है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बट यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। बताएं मुझे तेजी से इसका आंसर, बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल सही आंसर यहां पे मुझे मिला है। चलिए सही आंसर दोस्तों आ रहा है, बहुत सुंदर, सही आंसर यहां पर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है प्रोटीन दोस्तों। अपना रेशम जो है ये प्राकृतिक रूप से, रासायनिक रूप से रेशम ही जो है वो प्रोटीन ही होता है। बड़े आगे दोस्तों, द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी मछली होती है? क्या वो रोहू है, गेंबूसिया है, या फिर बोथ ए एंड बी? आसान क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है वो जो मलेरिया के इस्तेमाल होता है, मलेरिया के रोकथाम के लिए कौन सी मछली का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, गेंबूसिया मछली, गेंबूसिया इज द राइट आंसर, सुंदर आंसर दोस्तों गेंबूसिया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ जाइए आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मेन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत दोस्तों इनमें से कौन सा है? क्या जंगल, फ्यूल गैस, कैटल डंग, या फिर कोयला? कौन सा इनमें से मुख्य नवीकरणीय स्रोत है? मुख्य नवीकरणीय स्रोत आपसे पूछा गया है, क्या वो जंगल है, ईंधन गैस है, पशु गोबर है, या फिर दोस्तों वो कोयला है? बर्लिन जी, पूजा कुमारी जी, प्रीति श्रीवास्तव जी, चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, जंगल दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। सही आंसर देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होगा? फलों में मीठे स्वाद का दोस्तों क्या कारण होगा? क्या माल्टोज होगा, राइबोज होगा, लैक्टोज होगा, या फ्रक्टोज होगा? फलों में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? चलिए सुनु तिवारी जी, इंतेश जी, सुमित यादव जी, शिव प्रकाश यादव जी, बहुत सुंदर, सही आंसर यहां पे आ गया है फ्रक्टोज दोस्तों। याद करिए, फ्रूट फ्रक्टोज इस तरीके से आप याद करिए, फ्रूट्स जितने भी होंगे उनमें दोस्तों फ्रक्टोज ही पाया जाएगा, फ्रूट फ्रक्टोज इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर सोर्सेस, कौन सा निम्न में जोड़ी ऐसी है जो अपने स्रोतों के संबंध में सही सुमेलित होती है? क्या विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाएगा, विटामिन सी जो है टमाटर में पाया जाएगा, और विटामिन डी जो है वो नींबू में पाया जाएगा? इनमें से कौन सा दोस्तों सही सुमेलित है ये आपको बताना है। क्या पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या क्या चीज सही है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, केवल पहला वाला सही है, विटामिन ए तो गाजर में होगा, सही बात है, और विटामिन सी टमाटर में भी होगा, खट्टे पदार्थों में होता है, लेकिन नींबू में भी दोस्तों विटामिन सी ही पाया जाएगा, विटामिन डी नहीं पाया जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन इसलिए। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, विच विटामिन कंटेन्स मेटल कॉम्पोनेंट, यानी किस विटामिन में एक धातु घटक होता है ये बताना है आपको, किस विटामिन में एक धातु घटक होता है? क्या वो विटामिन ई है, ए है, सी है, या फिर दोस्तों बी12 है? किस में एक धातु घटक दोस्तों होता है?
विनीता यादव जी, चलिए रोहित कुमार जी सही आंसर दिया है, बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया सही आंसर यहां पे आ गया है, विटामिन बी ट्वेल्व इज द राइट आंसर, विटामिन बी ट्वेल्व यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत सुंदर। चलिए 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 आगे बढ़ेंगे। टैक्सोल इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम विच प्लांट, टैक्सोल दोस्तों किस पौधे से निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताएंगे इसका आंसर, टैक्सोल किस पौधे से निकाला जाता है, जल्दी से बताइए, देवदार, सदाबहार, चीड़िया, नीम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, बताइए तेजी से कहां से निकाला जाता है टैक्सोल। चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों यहां पे दिया है, सदाबहार के वनों से ही, सदाबहार के पौधे से ही निकाला जाता है टैक्सोल दोस्तों, बहुत सुंदर। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एक एक चुना हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इनमें से फालतू नहीं है, एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो दोस्तों आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा और साइंस में आपकी स्कोरिंग को बढ़ाएगा, तो एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए अगले बढ़िए दोस्तों, सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन, सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है किसमें, क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में, क्या ग्रीन लीव्स में, फॉसिल फ्यूल में, या फिर बायोमास के फॉर्म में, कहां पर दोस्तों सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है, ये बताइए मुझे तेजी से, बहुत ही सुंदर दोस्तों, बेहतरीन, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में ही दोस्तों जो है वो सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है, सही आंसर यहां पे है दोस्तों ऑप्शन नंबर वन। देखिए हरी पत्तियां तो यहां पर प्रकाश का संश्लेषण करती हैं, सौर ऊर्जा को स्टोर नहीं करती हैं वो, ठीक है, सौर ऊर्जा को स्टोर कार्बन कार्बन बॉन्ड में ही किया जाएगा, बाकी किसी में सौर ऊर्जा संग्रहित नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड नेक्टर, अब इसका आंसर दिमाग वाले लोग दे दीजिए, फल, शहद और पराग, इसमें पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होगी, जिनके पास दिमाग है और चल भी रहा है वही लोग इसका आंसर दे पाएंगे, तेजी से बताइए, शुगर फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड नेक्टर इज, फल, शहद और पराग में कौन सी शर्करा दोस्तों पाई जाएगी, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर, यहां पर एक शब्द आ गया है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में दोस्तों एक ही होती है फ्रक्टोज, फ्रूट्स आ गया है यहां पर तो फ्रूट्स में दोस्तों एक ही होती है और वो है हमारी फ्रक्टोज, तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, व्हीट इज अ क्रॉप ऑफ, गेहूं जो है वो दोस्तों किसकी फसल है, क्या वो रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, ये ऑल ऑफ द एब की है, जल्दी से बताइए गेहूं कौन सी फसल है, रबी, खरीफ या जायद, राकेश कुमार जी, सुष्मिता सिंह जी, बताएंगे तेजी से, जया अग्रहारी जी, तेजी से बताइए गेहूं किसकी फसल है, बेहतरीन दोस्तों बेहतरीन, रबी की फसल है गेहूं, बिल्कुल सही आंसर है, रबी की फसल है गेहूं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तेजी से, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑयल सीड क्रॉप, निम्न में से कौन सी दोस्तों तिलहनी फसल है, निम्न में से कौन सी ऐसी है जो तिलहनी फसल है दोस्तों, बताएंगे मुझे तेजी से बताइए, तिलहनी फसल इनमें से कौन सी है, चलिए चलिए बिल्कुल सही यहां पे आंसर सभी का आ रहा है, सभी का आंसर यहां पर सही आ रहा है, तिलहनी फसल के बारे में आप पूछा गया है, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, तिलहनी फसल के बारे में बताइए सभी लोग, चलिए चलिए सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही, सूरजमुखी इज द राइट आंसर, सनफ्लावर इज द राइट आंसर, यही दोस्तों एक तिलहनी फसल है, बहुत सुंदर, बढ़िए आगे बढ़िए दोस्तों, ब्लास्ट इज द डिसीज ऑफ विच क्रॉप, यानी निम्न में से झुलसा किस फसल का रोग है, झुलसा जो है ये किस फसल में दोस्तों होता है, शुगर केन में, पैडी में, व्हीट में, या फिर कॉटन में, कहां पर दोस्तों होता है ये झुलसा रोग, जल्दी से बताएंगे, आसान क्वेश्चन आसान आंसर, तेजी से बताइए, बहुत सुंदर, सुमित यादव जी सही आंसर आ रहा है आपका, किरण नायक जी, चलिए देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, पैडी यानी धान का रोग होता है झुलसा रोग, सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपको बता रहे हैं। चलिए
तो दोस्तों एक बार सभी को बता देता हूं, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उन सभी को बता दूं कि यही टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों आपको ज्वाइन करना है @shubhamsir_textbook। इसी टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको मिल जाएगी पूरी पीडीएफ फाइल जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी दोस्तों आपको इसी ग्रुप पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपके डाउट भी यहां पे सॉल्व करूंगा और लेटेस्ट एग्जाम की जानकारियां भी दोस्तों आपको यहां से मिल जाएंगी। तो सही से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए @shubhamsir_textbook। टेलीग्राम पर दोस्तों आपको मिलेगा ये ग्रुप, सर्च कीजिए और दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग टेस्ट बुक का पास भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 31,000 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जो आपकी तैयारी को दोस्तों आगे ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। द बुक डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया वॉज ऑथर्ड बाय, यानी डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया, ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे तेजी से। ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, द डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अपने एग्जाम में बन चुकी है, बताइए इसका आंसर। चलिए चलिए सही से बताएंगे, बिल्कुल सही, जी रंगा स्वामी इज द राइट आंसर। जी रंगा स्वामी सही आंसर आप सभी ने दे दिया है, बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़िए। द क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर आर, यानी उर्वरकों में उपलब्ध फसल पोषक तत्व दोस्तों कौन से होते हैं, उर्वरकों में जो उपलब्ध फसल पोषक तत्व हैं वो दोस्तों कौन से होते हैं, क्या नाइट्रोजन है वो, पोटेशियम है, आयरन है, या कौन से है दोस्तों। नैन्सी सिंह जी, शानू तिवारी जी, मुस्कान कुमारी जी, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। संगीता सुमन जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यही तीन दोस्तों होते हैं जो उर्वरकों में उपलब्ध दोस्तों पोषक पदार्थ हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अफेक्टेड बाय एरा फ्लाई इंसेक्ट, यानी निम्न में से कौन सी फसल आरा मक्खी द्वारा दोस्तों प्रभावित हो जाती है, यानी आरा मक्खी से दोस्तों दिक्कत उसे हो जाती है, ऐसी कौन सी फसल है दोस्तों, क्या वो सरसों है, ग्राम है, वीट है, या फिर दोस्तों पीस है, तेजी से बताइए इसका आंसर। बेहतरीन, सही आंसर दोस्तों मस्टर्ड, यानी सरसों यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों मस्टर्ड यानी सरसों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वे हाउ इंसेक्ट स्पीड्स अट्रैक्ट द प्लांट, यानी निम्न में से कौन सा तरीका नहीं है कि कैसे कीट पतंग पौधों पर हमला करते हैं, इनमें से कौन से तरीकों से कीट पतंग दोस्तों पौधों पर हमला नहीं करते हैं। नीलेश पांडे जी बताएंगे इसका आंसर, रोहित कुमार जी, अभिषेक चतुर्वेदी जी बताइए, सुंदर सिंह जी, सुष्मिता सिंह जी, नैन्सी सिंह जी, सभी लोग बताइए। चलिए सही आंसर रोहित कुमार जी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर चार, देखिए बिल्कुल सही, वे पत्तियों पर रंध्रों को अवरुद्ध नहीं करते, इस प्रकार प्रकाश के संश्लेषण को वो नहीं रोकते हैं। ठीक है, ये तरीका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, बाकी तीनों तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड, यानी मिट्टी के पानी के माध्यम से ऊपरी मिट्टी के खनिजों का नीचे की ओर अंतरण दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, ये दोस्तों तेजी से मुझे बताइए। मिट्टी के पानी का जो ऊपरी खनिजों का नीचे की ओर अंतरण को दोस्तों क्या कहते हैं, क्या इसे परकोलेशन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, या ट्रांसपाइरेशन कहते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया अनिल जी, अनिल जी बिल्कुल यहां पर सही आंसर आ गया है, लीचिंग ही दोस्तों कहते हैं, ऑप्शन नंबर तीन यहां पर सही होगा, लीचिंग ही दोस्तों इसको कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। बढ़िए दोस्तों आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। विच इज एसेंशियल इन सोइल फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में दोस्तों क्या चीज आवश्यक है, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में दोस्तों क्या चीज आवश्यक होती है, क्या ऑक्सीजन है वो, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, या फिर दोस्तों नाइट्रोजन है वो। चलिए सुंदर आंसर दोस्तों, नैन्सी सिंह जी, संगीता सुमन जी, सुमित यादव जी, बाजूराम जी बिल्कुल सही, सीमा सैनी जी बहुत सुंदर, सही आंसर यहां पे आ गया है दोस्तों, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर दोस्तों, नाइट्रोजन ही यहां पर पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मृदा अपरदन को इनमें से कौन सी गतिविधि से रोका जा सकता है,
मृदा अपरदन को, सॉइल इरोजन को इनमें से कौन सी विधि से, कौन सी क्रिया से दोस्तों रोका जा सकता है, या आप लोग मुझे बता दीजिए तेजी से, कौन सी विधि से यहां पर दोस्तों रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। बेहतरीन बेहतरीन दोस्तों, बिल्कुल सही, गुड प्लांट कवर, अच्छा पौधा कवर करके मृदा अपरदन को भी दोस्तों यहां पर रोका जा सकता है, सही आंसर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों तेजी से। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड फ्रॉम द सॉइल, यानी जड़े जो हैं वो मिट्टी से दोस्तों पानी के साथ साथ और क्या चीज एब्जॉर्ब करती हैं, पानी के साथ साथ वो और क्या चीज दोस्तों एब्जॉर्ब करती हैं, बताएं तेजी से, और क्या चीज एब्जॉर्ब करती हैं वो मिट्टी से। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों यहां पे आंसर आ गया है। अगर हम बात करेंगे मिट्टी से तो दोस्तों मिनरल्स और पानी को ही वो अवशोषित करती हैं। आगे बढ़ जाइए, प्लांट्स ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल अकॉर्ड, रेतीली मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, रेतीली मिट्टी में उगने वाले पौधों को यहां पर क्या कहा जाएगा, ये बताइए मुझे तेजी से, आप लोग सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों आंसर आ रहे हैं सभी के, जल्दी से मुझे बताइए। चलिए बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, रेतीली अगर मिट्टी की बात करेंगे तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों बालुकोद्भिद, नाम से ही क्लियर है, बालू मतलब मिट्टी, बालू बालू, बालुकोद्भिद यानी रेतीली मिट्टी में उगने वाले जो होते हैं दोस्तों वो हमारे सेमोफाइट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार जल में उगने वाले दोस्तों हाइड्रोफिट कहलाएंगे, और दोस्तों लवणीय मिट्टी में, दलदली मिट्टी में उगने वाले जो है वो लवणोद्भिद कहलाते हैं दोस्तों। अब लिथोफाइट मुझे बताइए, लिथोफाइट का दोस्तों मुझे बताइए मतलब क्या होता है, लिथोफाइट दोस्तों कौन से होते हैं बताएं मुझे सभी लोग, लिथोफाइट दोस्तों कौन से होते हैं, नाम से ही ये क्लियर हो रहा है, नाम से ही ये क्लियर हो रहा है दोस्तों, लिथोफाइट कौन से होते हैं ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, चट्टानों पर उगने वाले, बिल्कुल पत्थरों पर, चट्टानों पर उगने वाले दोस्तों जो होते हैं वो हमारे लिथोफाइट होते हैं, सही आंसर दे रहे हैं। देखिए ये चारों ही अपने नाम से क्लियर है, लवणोद्भिद यानी लवणीय मिट्टी में, शैलोद्भिद यानी शैलों पर, चट्टानों पर, जलोद्भिद यानी जलों पर, और बालूद्भिद मतलब होता है बालू पर यानी रेतीली मिट्टी पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों चार। बढ़ जाइए आगे, प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, हाउ डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों को जीवित रहने के लिए जो पानी की होती है आवश्यकता, वो पानी दोस्तों कहां से मिलता है, क्या क्लोरोफिल पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, या स्टोमेटा पहुंचाता है, कहां से पानी मिलता है पौधों को। बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, चलिए 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 सही आंसर यहां पे आ गया है, जाइलम इज द दोस्तों राइट आंसर, जाइलम यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ गया है, जाइलम के द्वारा ही दोस्तों जल आता है, जाइलम और जल, ऐसे ही फ्लोएम से दोस्तों फूड आता है, फ्लोएम और फूड याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द प्लांट विच गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई, यानी वे पौधे जो मिट्टी सूख जाने पर संकेत देते हैं, वे पौधे दोस्तों कौन से होते हैं जो मिट्टी सूख जाने पर संकेत देते हैं, क्या वो नीम है, तुलसी है, क्रोटन है, या फिर दोस्तों हिबिस्कुस है, कौन से पौधे ऐसे हैं जो मिट्टी के सूख जाने पर दोस्तों पूरा संकेत देते हैं। चलिए 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 सही आंसर, सही आंसर दोस्तों क्रोटोन इज द राइट आंसर, क्रोटोन यहां पर बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, बहुत सुंदर, बढ़िए बढ़िए आगे बढ़िए दोस्तों तेजी से। एयर वाटर एंड सॉइल प्रोवाइड टोटल ऑफ विच न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट टू ग्रो, यानी वायु जल और मृदा मिलकर पौधों को विकसित करने के लिए कितने पोषक पदार्थों को प्रदान करते हैं, कुल कितने पोषक पदार्थों को वायु जल और मृदा मिलकर दोस्तों प्रदान करते हैं। चलिए सही आंसर आ गया है, सही आंसर यहां पर दोस्तों आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है 16 होते हैं टोटल न्यूट्रिएंट जिनको दोस्तों प्रोवाइड करते हैं वायु जल और मृदा मिलकर पौधों के लिए। बढ़िया आगे, द फंडामेंटल रोल ऑफ रूट हेयर्स इज प्लांट इन, पौधों में जल रोम की मौलिक भूमिका क्या होती है, पौधों में दोस्तों जल रोम की मौलिक भूमिका क्या होगी, मुस्कान कुमारी जी, सीमा सैनी जी, पेडू लकी जी, सभी लोग बताएंगे, अतुल जी,
जय अग्रहारी जी, सीमा सैनी जी, सुष्मिता सिंह जी, अक्षत यादव जी, संगीता सुमन जी। चलिए चलिए सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही, मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, यही दोस्तों इसका आंसर है। पौधों में जड़ों की जो मौलिक भूमिका है, ठीक है, रूट हेयर्स की जो मौलिक भूमिका है दोस्तों वो यही है, मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित कर लेना। बढ़िए आगे दोस्तों, वनों की कटाई का परिणाम इनमें से क्या नहीं होता? डिफॉरेस्टेशन डज नॉट रिजल्ट इन, क्या वर्षा में कमी पेड़ों की कटाई से नहीं होगी, क्या मृदा अपरदन में वृद्धि नहीं होगी, क्या भूजल स्तर में वृद्धि नहीं होगी, या दोस्तों पृथ्वी के तापमान में वृद्धि नहीं होगी? कौन सी चीज वनों के कटान से दोस्तों नहीं होती? बहुत बढ़िया मीना जी, प्रीति श्रीवास्तव जी, शिव प्रकाश जी, सैंडीज जी, रोहित कुमार जी, शिव प्रकाश यादव जी, बहुत सुंदर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार दोस्तों, तीन, भूजल स्तर में कोई भी वृद्धि दोस्तों वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप नहीं होगी। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, फॉसिल्स आर फाउंड इन, जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? क्या इग्नस रॉक्स में, क्वार्ट्ज में, सॉइल में, या फिर दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स में? कहां पर दोस्तों जीवाश्म पाए जाते हैं ये बता दीजिए मुझे पिंटू कुमार जी। बहुत ही बढ़िया भावना सिंह जी, चलिए चलिए बिल्कुल सही आंसर है, सेडिमेंट्री रॉक दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, अवसादी चट्टाने बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो गया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़िए दोस्तों, एयर, एयर दोस्तों वे पदार्थ हैं जो हवा को दूषित करते हैं, वायु में वो कौन से पदार्थ होते हैं, क्या वो वायु में रिएक्टेंट्स हैं, इरिटेंट्स हैं, रेजिडेंट हैं, या फिर दोस्तों पॉल्यूटेंट हैं जो हवा को दूषित करते हैं? आसान क्वेश्चन सामने दिख रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, वो प्रदूषक ही होते हैं, पॉल्यूटेंट ही होते हैं, हम सभी को यहां पे साफ साफ आंसर दिख रहा है। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इफेक्ट्स, यानी हवा में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों वृद्धि हो जाएगी तो क्या चीज होगी? हवा में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की दोस्तों वृद्धि हो जाती है तो फिर दोस्तों क्या चीज होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की वृद्धि होने पर दोस्तों क्या होगा? चलिए चलिए सही आंसर, अगर बढ़ जाएगी दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोस्तों हमारे खराब हो जाएंगे, इसी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, प्लांट प्यूरिफाई एयर ड्यूरिंग द, यानी जो दोस्तों दौरान पादप वायु को शुद्ध करते हैं, किस क्रिया के दौरान? क्या प्रकाश के संश्लेषण के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान, ट्रांसपिरेशन के दौरान, या फिर दोस्तों डिसिकेशन के दौरान? किस क्रिया के दौरान पादप जो है दोस्तों वायु को शुद्ध कर देते हैं? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों आंसर आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही दोस्तों यहां पर क्या करते हैं, वो बिल्कुल साफ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं वायु को। आगे बढ़िए, एस्बेस्टस इज द मिनरल फाइबर दैट कैन पॉल्यूट एयर और वाटर कॉज, यानी एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी में दोस्तों दूषित होता है, और इनमें से किस बीमारी का कारण बनता है? जो एस्बेस्टॉस है इसके दोस्तों जहर से, इसकी उपलब्धता से दोस्तों जो पानी दूषित होता है, हवा दूषित होती है, उसके द्वारा कौन सा रोग हमें लग जाता है? क्या लंग कैंसर होता है, एस्बेस्टोसिस होता है, मीजोथेलोमिया होता है, या फिर दोस्तों मीजोथेलोमिया, लंग कैंसर और एस्बेस्टोसिस तीनों होते हैं? स्लोक क्रिएशन, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, तीनों ही रोग दोस्तों ये हो सकते हैं, अगर एस्बेस्टॉस हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो ये तीनों ही रोग दोस्तों हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन यहां पर सही है, रम्य रंजन जी। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी निम्न में से किसे दोस्तों जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के रूप में दोस्तों किसे जाना जाएगा? पलाश को, ऑर्किड को, बैंबू को, या फिर दोस्तों रोहिदा को? बहुत ही बढ़िया रोहित कुमार जी, बिल्कुल सही दोस्तों, पलाश यहां पर सही आंसर है, पलाश को ही दोस्तों हम लोग जंगल की ज्वाला के रूप में जानते हैं, लाल कलर का आग की तरह का दोस्तों ये फूल होता है, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द प्रोडक्ट्स नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेस्ट, निम्न में से कौन से उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों वनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्या हनी को, क्या कैडिशू को, गम को, या फिर दोस्तों अदरक को?
किसको वनों के द्वारा दोस्तों प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। सही आंसर यहां पर दोस्तों हो जाएगा अदरक यानी जिंजर, इसी को दोस्तों वनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, तेजी से बढ़िए आगे। टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया शुड बी, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का कितना अनुपात दोस्तों होना चाहिए। क्या 20 से 23 होना चाहिए, 25 से 28 होना चाहिए, 31 से 34 होना चाहिए, या 42 से 45 होना चाहिए। बढ़िया दोस्तों, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही होगा। लगभग 31 से 34% के बीच में अगर फॉरेस्ट कवर होगा तो फिर दोस्तों पारिस्थितिक संतुलन दोस्तों बना रहेगा। सही आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़िए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगला देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, मैंग्रोव वन दोस्तों कहां फल फूल सकते हैं, क्या स्लाइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो अपने मैंग्रोव वन है दोस्तों ये कहां पर दोस्तों विकसित हो सकते हैं। सुंदर दोस्तों, बेहतरीन, बिल्कुल सुंदर आंसर दोस्तों, स्लाइन वाटर यानी खारे पानी में ही दोस्तों ये फल फूल सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया आगे दोस्तों, विच ऑफ दीज द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है, क्या वो घास का मैदान है, वन है, टुंड्रा है, या ऑल ऑफ द अबव। कौन इनमें से दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार होता है ये बताइए मुझे। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव दोस्तों ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और टुंड्रा ये तीनों ही पारिस्थितिक यानी इकोसिस्टम के दोस्तों प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द विटिकल्चर, विटिकल्चर दोस्तों क्या होता है ये बताइए। क्या वनों के संरक्षण को हम लोग विटिकल्चर कहते हैं, क्या अंगूर के उत्पादन को हम लोग विटिकल्चर कहते हैं, क्या टाइप ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को हम लोग विटिकल्चर कहते हैं, या दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन को हम लोग विटिकल्चर कह देते हैं। किसको हम लोग यहां पर विटिकल्चर दोस्तों कहते हैं। बहुत सुंदर दोस्तों, विटिकल्चर की बात सभी को पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल 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 सही दोस्तों, विटिकल्चर की बात करें तो उसे अंगूर का उत्पादन ही कहते हैं। सही आंसर, ग्रेप्स के उत्पादन को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं यहां पर। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एवरग्रीन ट्रीज रिमेन्स ग्रोन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ, यानी सदाबहार जो वन होते हैं उस वन के वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं, इसका रीजन दोस्तों क्या है। साल भर वो लोग हरे भरे रहते हैं तो इसका रीजन दोस्तों क्या होता है, तेजी से बताइए। हरे भरे रहते हैं साल भर ये सदाबहार वन, तो इसका रीजन दोस्तों यहां पर मुझे बताइए क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है। अंतराल पर कम संख्या में गिरने वाले पत्ते, लीव्स फेलिंग इन स्मॉल नंबर एट इंटरवल्स, यानी दोस्तों सदाबहार वन इतने घने होते हैं कि कुछ पत्ते गिरते भी हैं तो दिखाई दोस्तों नहीं देते हैं ऊपर से, इसीलिए दोस्तों ये हरे भरे रहते हैं, यानी कम गिरते हैं पत्ते और घने होते हैं ये, इसीलिए दोस्तों ये हरे भरे रहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ दीज प्लांट्स इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट, इन पौधों में से कौन सा मुख्य रूप से रेगिस्तान में दोस्तों पाया जाएगा, क्या वो कैक्टस होगा, ओक होगा, यूकेलिप्टस होगा, या फिर टीक होगा। कौन सा रेगिस्तान में दोस्तों पाया जाएगा, ये आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। रेगिस्तान में दोस्तों, स्वीटी कुमारी जी, रेगिस्तान में कौन सा पाया जाएगा, तो आसान आंसर है कैक्टस ही पाया जाएगा। सही आंसर दिया है रोहित कुमार जी, शिव प्रकाश यादव जी, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होगा, कैक्टस ही दोस्तों रेगिस्तान में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, टीक वुड इज ऑब्टेंड फ्रॉम, सागौन की लकड़ी कहां से प्राप्त की जाती है, सागौन की लकड़ी इनमें से दोस्तों कहां से प्राप्त की जाएगी, क्या टर्मिनलिया अरिजोना से, टेक्टोना ग्रैंडिस से, इमली इंडिका से, या फिर दोस्तों थ्यूआ से। कहां से सागौन की लकड़ी प्राप्त की जाती है। चलिए चलिए, ग्रेट दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, टेक्टोना ग्रैंडिस यहीं से दोस्तों प्राप्त की जाती है सागौन की लकड़ी। सही आंसर,
चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग द वॉटर पॉल्यूशन, निम्न में से कौन सा खरपतवार जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है, निम्न में से कौन सा खरपतवार जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों जरूरी है, क्या वो पार्थेनियम है, मोगर घास है, वॉटर हिंग है या फिर दोस्तों एलिफेंट ग्रास, कौन सी है वो खरपतवार जो जल प्रदूषण को नियंत्रित करती है दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। सही आंसर यहां पे है वॉटर हिंकिंग, यानी जल कुंभी ही जल प्रदूषण को दोस्तों नियंत्रित करने वाली होती है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। चलिए 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 आगे बढ़िए। द लॉस ऑफ वॉटर इन वॉटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज, यानी पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी के नुकसान को क्या कहा जाएगा, पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में जो पानी का नुकसान होगा इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा। विनीता यादव जी, सानु तिवारी जी, रमेश जी, मुस्कान जी, स्पिरिचुअल वॉइस जी, रूपेश जी, सभी लोग बताइए इसका आंसर। पेंडुल नकी जी, रोहित कुमार जी, चलिए चलिए बिल्कुल सही, ट्रांसपायरेशन इज द राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन दोस्तों सही आंसर होगा, पौधों की पत्तियों से वाष्प के उड़ने के, है ना, यही सही आंसर है, वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। थ्रू द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सी वॉटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वॉटर, यानी निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके प्रयोग द्वारा समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या व्हाइट गोल्ड को, ब्लैक गोल्ड को, सिल्वर गोल्ड को या नन ऑफ द अबव, किसको समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ब्लैक गोल्ड के द्वारा ही समुद्री जल को हम लोग पेयजल में परिवर्तित कर सकते हैं, सही आंसर है ब्लैक गोल्ड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। वाटर स्टोर्ड इन अर्थनवेयर क्रूज बिकॉज, यानी मिट्टी के बर्तन में जमा पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, इसका रीजन दोस्तों क्या होगा, मिट्टी के बर्तन में जो रखा है वो दोस्तों ठंडा हो जाता है पानी, तो इसका रीजन दोस्तों मुझे बता दीजिए क्या होगा। चलिए सही आंसर है, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। वॉटर ओजिंग आउट द पोर्स इवेपोरेट, छिद्रों से निकलने वाला पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है और इसी वजह से दोस्तों मिट्टी में जमा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। सही आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। वाटर पोटेंशियल रिमेंस लोवेस्ट इन, यानी जल क्षमता दोस्तों निम्न में से किस में निम्नतम बनी रहती है, क्या वाटर प्लांट में, वुडी प्लांट्स में या सकलेन प्लांट्स में या फिर दोस्तों हेलो प्लांट्स में, किस में दोस्तों ऐसा है जो जल क्षमता निम्नतम रहती है, लोएस्ट रहता है वाटर पॉल्यूशन। शिव प्रकाश यादव जी बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं आपको डिटेल दूंगा अभी टेलीग्राम से जुड़ने की। ठीक है, अभी दूंगा डिटेल, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलिए सही आंसर यहां पे है हेलोफाइट दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा, लवणोद्भिद जो है इसी में दोस्तों वाटर की क्षमता न्यूनतम बन जाती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, निम्न में से कौन सी है जो जल से होने वाली बीमारी है, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाली बीमारी इनमें से दोस्तों कौन सी होगी, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाली दोस्तों बीमारी इनमें से कौन सी हो जाएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, सही आंसर है डायरिया यानी अतिसार, यही दोस्तों प्रदूषित जल से होती है, प्रदूषित जल के प्रयोग से, सही आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, हरे नारियल का दूधिया पानी दोस्तों क्या होता है, जो हरा नारियल होता है उसमें जो दूधिया पानी है वो दोस्तों क्या चीज होती है, क्या वो लिक्विड फीमेल जेमोफाइट है, क्या वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, क्या वो लिक्विड सालजा है या वो लिक्विड दोस्तों न्यूसेलस है, क्या है वो दोस्तों। चलिए बिल्कुल सही प्रदीप जी, नैन्सी सिंह जी, संगीता जी, अभिषेक जी, शिव प्रकाश जी, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर यहां पे दोस्तों है लिक्विड एंडोस्पर्म होता है दोस्तों, वो तरल अंतर द्रव्य होता है, वही दोस्तों हरे नारियल का दूधिया पानी होता है। ठीक है ना, सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू। बढ़िए बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, निम्न में से कौन सा दोस्तों पानी में घुलनशील होता है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो पानी में दोस्तों घुलनशील है, ये आसान क्वेश्चन है आप सभी के सामने आया हुआ है, पानी में घुलनशील इनमें से कौन सा होगा।
चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत बढ़िया। सही आंसर है यहाँ पर विटामिन बी एंड सी, बिल्कुल सही आंसर है विटामिन बी एंड सी। यही दोस्तों दो होते हैं जो क्या होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी ई डी ई और के जो होते हैं ये दोस्तों पानी में घुलनशील नहीं होते, ये वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे दोस्तों, सीड स्वेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर इज ड्यू टू, यानी जब पानी को बीज को रखा जाता है पानी में तब बीज किस वजह से फूल जाता है, किसी भी बीज को जब पानी में रखा जाएगा तो किस वजह से दोस्तों वो फूल जाते हैं, क्या डिफ्यूजन की वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से, इंबिबिशन की वजह से, या प्लाज्मोलाइसिस की वजह से। सुंदर दोस्तों, बहुत बेहतरीन, सही आंसर, सही आंसर यहां पे आया है, सही आंसर है दोस्तों इंबिबिशन कहते हैं उसको, इंबिबिशन की वजह से दोस्तों क्या होता है बीज जो है वो फूल जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। चलिए आगे बढ़ जाइए, थ्रू विच वन डज द मैक्सिमम वाटर लिबरेटेड फ्रॉम प्लांट्स, किसके माध्यम से पौधों से अधिकतम जल दोस्तों मुक्त होता है, इनमें से किसके माध्यम से पौधे अधिकतम जल को मुक्त करते हैं, कैस्टोमेटा के माध्यम से, क्रिटिकल के माध्यम से, लेंटिकल के माध्यम से, या फिर दोस्तों हेथोड के माध्यम से, किस माध्यम से पौधे अधिकतम जल को दोस्तों मुक्त करते हैं। चलिए शुभ्रा सौरभ जी, वर्षा पांडे जी, जया अग्रहारी जी, चांदनी जी, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है दोस्तों स्टोमेटा, बिल्कुल सही आंसर है, इसी के द्वारा अधिकतम पानी को दोस्तों यहां से मुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अभी कुछ लोग पूछ रहे थे किस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी पीडीएफ, तो इसी टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आज के लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी @shubhamsir_textbook। करना केवल इतना है कि अपने को टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @shubhamsir_textbook और उसके बाद दोस्तों उसको ज्वाइन कर लेना है, सभी तरह की पीडीएफ मिलेगी, अपने डाउट आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं और लेटेस्ट एग्जाम की जानकारियां भी दोस्तों मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो इस ग्रुप को दोस्तों जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि टेस्ट बुक का पास दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 31,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तैयारी से भी ज्यादा जरूरी है दोस्तों अभ्यास करना, कितनी भी तैयारी कर लीजिए अगर आपने अभ्यास नहीं करा तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी दोस्तों। तो यहां पर आप लोग टेस्ट बुक के पास से बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और दोस्तों इसका फायदा उठाइए। कोड का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं SUA PAS, इस कोड के इस्तेमाल से दोस्तों आपको मिल जाएगा 15% का एडिशनल डिस्काउंट, तो इस कोड का इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं और ये पास आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक की लाइब्रेरी भी इंट्रोड्यूस हो गई है जो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों फ्री है आप सभी के लिए, यहां पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेसन मिलेंगे और बहुत सारे पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग दोस्तों इसका प्रयोग जरूर करिए, textbook.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों SSC CGL 2022 का फाउंडेशन लाइव कोचिंग बैच भी आप सभी के लिए आ गया है, जिसमें दोस्तों एक साल तक आपको पढ़ाया जाएगा, एक साल तक आपको दोस्तों तैयारी कराई जाएगी, जिसमें 400 से भी ज्यादा लाइव क्लास आपको मिलेगी और 400 से भी ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, 50 से भी ज्यादा आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे दोस्तों 150 से भी ज्यादा, तो इस बैच को भी दोस्तों ले सकते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर तो यहां पर भी आपको 20% का दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा, शुभम ए SHUBHAM दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल आप करके 20% का यहां पर दोस्तों ऑफ ले सकते हैं और इन पांचों टीचर्स के साथ जुड़ सकते हैं जो कि दोस्तों अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आसानी से तैयारी करनी होती है और किस तरीके से सटीक तैयारी दोस्तों करनी होती है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप सभी का यहां पर फोटो छपे, ये हमारा दोस्तों बैनर है, टेक्स्ट बुक के हीरोज का बैनर है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का फोटो दोस्तों इस पूरे बैनर पर छपे और देश के बच्चों के लिए आप दोस्तों प्रेरणा स्रोत बने। 2022 का ये साल दोस्तों अपना चुन लीजिए, लिख लीजिए, मना लीजिए अपना मन दोस्तों की 2022 का ये वर्ष जो है ये हमारी नौकरी का वर्ष है, इस साल दोस्तों हमें नौकरी लेनी है और इस साल का दोस्तों तैयारी हमें जबरदस्त करनी है, ठीक है ना। चलिए तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज के इस लेसन को ओवर करूंगा,
ध्यान रखिए आज टेक्निकल इशू की वजह से हमारा लेक्चर जरूर लेट हुआ है, लेकिन दोस्तों कल से 1 बजे ही अपना सेशन होगा। ध्यान रखिए कल से अपना सेशन होगा वो 1 बजे ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस्य से दूर रहिए। दोस्तों कोरोना की एक और लहर दोस्तों अपने देश में आ गई है, तो उससे भी पूरी तरीके से बचे रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइज करिए हाथों को और घरों में रहिए दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कीजिए और सरकार और जो स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं उनकी गाइडलाइन का पूरा पूरा पालन कीजिए, अपनी भी रक्षा कीजिए और अपनों की भी रक्षा दोस्तों कीजिए, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों विराम लूंगा, आप सभी से मिलूंगा कल सुबह 8:30 बजे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।